हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने पहला जैसा आज भी और एक नया जॉब नोटिफिकेशन लेके हाजिर है। और ये जॉब नोटिफिकेशन आया है हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा अगरतला से। और यहाँ पर जो जॉब रिक्रूटमेंट होगा वो है सिस्टम ऑफिसर और सिस्टम असिस्टेंट। और ये जॉब अप्लाई करने के लिए और एडुकेशन क्वालिफिकेशन परमानेंट सेलर क्या है और कब ये सबमिशन करने होगा और लास्ट डेट क्या है, सारे डिटेल्स मैं इस वीडियो पर दिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहे। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, कोई भी फ्रेंड्स अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, क्योंकि जॉब में और नया वीडियो लेके अपलोड करूँगा सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, ये जॉब नोटिफिकेशन को देखते हैं। दोस्तों जो जॉब का ऑफिशियल नोटिफिकेशन हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा अगरतला, और यह नोटिफिकेशन का डेट ठीक है। और यह है दोस्तों जो नोटिफिकेशन का नंबर। और यहां पर देखिए दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिस्टम ऑफिसर एंड सिस्टम असिस्टेंट, ठीक है। यह है पोस्ट जो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो त्रिपुरा हाईकोर्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है और आप लोग यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, सारे डिटेल्स। और मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप लोग यहाँ पर जाके भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, फ्रॉम द एलिजिबल पर्सन्स हु आर इंडियन सिटीजन्स होना चाहिए, हु आर नॉट बिलो 21 ईयर्स का बिलो नहीं होना चाहिए और मोर देन 45 ईयर्स का ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बिलोंग टू देखिए दोस्तों, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड गवर्नमेंट सर्वेंट एंड 40 ईयर्स इन कास्ट ऑर्डर्स ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, 4 वैकेंसी है सिस्टम ऑफिसर के लिए और 11 पोस्ट है सिस्टम असिस्टेंट के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कैटेगरी एंड पोस्ट और यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट और यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। और यहाँ पर स्केल ऑफ पे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट पे ग्रुप बी नॉन गेजेटेड और पोस्ट का जो नेम है सिस्टम ऑफिसर और वैकेंसी है 4। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, पर मंथ सैलरी क्या है 37,600 से, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद दोस्तों, ग्रुप सी नॉन गजेटेड, ठीक है, सिस्टम असिस्टेंट के लिए है, टोटल 11 वैकेंसी है, ठीक है। और पर मंथ सैलरी है ये सिस्टम असिस्टेंट के लिए 21,400, ठीक है। और पे मैट्रिक्स लेवल 7 है ऑफ त्रिपुरा सिविल सर्विस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, आउट ऑफ 4 जो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिस्टम ऑफिसर के लिए 4 वैकेंसी और यहाँ पर 4 वैकेंसी के लिए रिजर्व है, देखिए दोस्तों, 4 पोस्ट ऑफ सिस्टम ऑफिसर, 1 पोस्ट फॉर यूआर के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है, ठीक है, यूआर कैटेगरी के लिए, और 2 पोस्ट है रिजर्व शेड्यूल ट्राइब एसटी कैटेगरी के लिए और 1 पोस्ट है एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व, ठीक है। यह टोटल जो सिस्टम ऑफिसर के लिए टोटल 4 वैकेंसीज। और उसके बाद दोस्तों, आउट ऑफ 11 पोस्ट जो सिस्टम असिस्टेंट के लिए जो 11 वैकेंसी है और यहाँ पर जो रिजर्व है, देखिए दोस्तों, 4 पोस्ट जो वैकेंसी है यू आर कैटेगरी के लिए और 6 पोस्ट है एस टी के लिए और 1 पोस्ट है शेड्यूल कास्ट एस सी के लिए, ठीक है। यह है 11 पोस्ट टोटल जो सिस्टम असिस्टेंट के लिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो रजिस्टर जनरल, ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा अगरतला ऑन और बिफोर 29/6/2019 से ये एड्रेस पे सबमिट करने होगा ऑफलाइन माध्यम से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, अलोंग विथ पोस्टल ऑर्डर, ठीक है, पोस्टल ऑर्डर माध्यम से ये सेंड करने होगा ये एड्रेस पे, बैंक ड्राफ्ट ऑफ 400, ठीक है। और ये 400 है शेड्यूल जो यू आर के लिए और जनरल के, ठीक है, और 200 जो रुपीज है ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट, ये है शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है, इंक्रीज इन सिस्टम ऑफिसर के लिए ये है, ठीक है दोस्तों। और पोस्टल ऑर्डर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ड्राफ्ट 300, ये है दोस्तों जो शेड्यूल जो यू आर और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ठीक है, और 150 जो रुपीज है एस सी और एस टी कैंडिडेट्स के लिए, ये है दोस्तों पोस्ट सिस्टम असिस्टेंट के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, एट त्रिपुरा इन फेवर ऑफ द रजिस्ट्रेड जनरल हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा अगरतला एलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोग्राफ एज इंडिकेटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सारे डिटेल्स
देने होगा, ठीक है, सर अटेस्ट करके सेंड करने होगा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, ठीक है, पोस्टल ऑर्डर माध्यम से। और उसके बाद फोटोग्राफी साथ देने होगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अदर डिटेल्स, ठीक है, सिस्टम ऑफिसर के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस होना चाहिए, बैचलर इंजीनियरिंग और बीटेक कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। और देखिए दोस्तों MCA, MSc, IT, MSc कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए UGC, ठीक है, अप्रूव इंस्टीट्यूशन कॉलेज यूनिवर्सिटी। और देखिए दोस्तों यहाँ पर मस्ट बी एटलीस्ट, ठीक है, 2 ईयर्स का जो फुल टाइम वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों सिस्टम असिस्टेंट के लिए जो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, यहाँ पर जो एनी ग्रेजुएट पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। और 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, साथ इन हार्डवर्क एंड नेटवर्किंग कंप्यूटर एप्लीकेशन IT फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन ITIC, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर BSc कंप्यूटर साइंस, BSc IT, BCA और भी यहाँ पर देखिए ऑप्शनल है, बैचलर इंजीनियरिंग। और मैं पहले ये डिस्कस किया था जो सिस्टम ऑफिसर पोस्ट पे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों द कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 ईयर का यहाँ पर भी फुल टाइम जो वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग से, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए जो बायोडाटा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है और मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा, ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोग यहाँ पर जाके डाउनलोड कर लेना और आप लोग जो सेंड करने होगा पोस्ट ऑफिस माध्यम से, पोस्टल ऑर्डर माध्यम से, यहाँ पर सारे डिटेल्स, ठीक है, राइट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करने होगा, ठीक है, उसके बाद सेंड करने होगा, ठीक है, पोस्टल ऑर्डर माध्यम से। तो दोस्तों आप लोग इस पोस्ट पे इंटरेस्टेड हो और एलिजिबल हो तो ज़रूर अप्लाई करना। और आप लोग इस वीडियो को पसंद किया तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करने मत बोले जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबा देना क्योंकि जॉब में और नया वीडियो लेके और नया जॉब नोटिफिकेशन लेके वीडियो अपलोड करूँगा, सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।